इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में कीड़ियाई लड़की से मारपीट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि लड़की के आरोप झूठे हैं और जांच में मालूम चला है कि इसकी अपने दोस्त से लड़ाई हुई थी, जिसे इस लड़की ने स्थानीय लोगों से मारपीट का मामला बताया और इस बारे में पुलिस ने सबूत के तौर पर कैब ड्राइवर को भी पेश किया है। युवती ने चौकी इंचार्ज को सीधे फोन किया, चौकी इंचार्ज राणा। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि इनका नंबर कैसे आ गया, पर्टिकुलरली चौकी इंचार्ज का ही नंबर कैसे आ गया। इनको 7:30 बजे फोन किया है, 7:30 बजे जब वो हॉस्पिटल में पहुंची है, हॉस्पिटल का नाम था आइवरी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने फोन किया हमारे जो सब इंस्पेक्टर है मिस्टर राणा को और ये कहा कि ये लोग हमें प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप करके इनसे कह दीजिए हमारा इलाज सही करें। तो इन्होंने वहाँ पे जो भी अवेलेबल डॉक्टर्स वगैरह जो भी उनका स्टाफ था उनसे बात करी और ये तुरंत इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुंची है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि पर्टिकुलरली राणा का नंबर उन युवती के पास कैसे था, और अगर 7:30 बजे उन्होंने कॉल किया है तो कॉल 6 बजे या 4:30 जो भी घटना का समय उन्होंने बताया उस समय कॉल क्यों नहीं किया। उसका कारण यह है कि जिस दिन ये कैंडल प्रोसेशन वाली घटना हुई है उसी रात में 3:15 बजे ये उसी फ्लैट के बाहर घूम रही थी, ये उससे एक रात पहले की घटना है और इन्होंने उनको पहचाना, उस लड़की ने भी एक्सेप्ट किया है। तो वो घूम रही थी अपने किन्हीं दोस्तों के साथ थी, तो इन्होंने पूछा क्योंकि उस रात पूरी फोर्स अलर्ट पर थी, उसी दिन घटना हुई थी, तो इन्होंने उस लड़की को एस्कॉर्ट करके फ्लैट तक पहुंचाया, बोले अभी रात का वक्त है आप इस तरह मत घूमिए। तो उस लड़की ने इनका नंबर एक रात पहले उसने ले लिया था कि साहब अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम आपको फ़ोन कर देते। पूरी तरह से हो सकता है उनकी फ्रेंड्स या वो अपसेट रही हों या कुछ मेंटल थोड़ा सा उनको स्ट्रेस रहा हो, उन्होंने ये देख करके कि क्योंकि झगड़ा हुआ है इधर इस चीज़ को इधर डाइवर्ट कर दिया, लेकिन ये लगभग स्पष्ट है कि किसी प्रकार कोई लोकल व्यक्ति ने उस दिन कोई भी मारपीट नहीं की थी। सारा जो कंप्यूटर में जो GPS में जो डेटा है वो हमने चेक किया है, गाड़ी पूरी तरीके से GPS से चली, ओमिक्रॉन तक पहुंची और उसके बाद भी जो भी कुछ हुआ है वो पूरी तरह से उनके सिस्टम में भी है, ओला के सिस्टम में भी है। ड्राइवर्स क्योंकि जो FIR इन्होंने दी है उस FIR में साफ कहा है कि करीब 4-5 लोगों ने गाड़ी को रोका और मारपीट की और ड्राइवर हमें छोड़ के भाग गया, ये बात उन्होंने तहरीर में ही कही है, जिसकी पुष्टि जो कि एकमात्र चश्मदीद है ये ड्राइवर नहीं हो रही है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ड्राइवर इसमें असत्य बोले या कुछ इस तरह की चीज छुपाए, क्योंकि जब हमने बुलाया तो ये पिंटू सहजता से आ गया। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।